हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आपको चैनल पसंद आ रहा होगा। और आज मैं आपके सामने जो है मोमेंट्स का द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर बाय मुल्क राज आनंद लेकर के आया हूं। इसके साथ साथ मैं आपसे बताना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें। आपका प्यार भरपूर मिल रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। और आप जो चैनल्स लाइक कर रहे हैं, जैसे इसमें पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस हैं, इसी के साथ साथ प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, इसी में आपको इंग्लिश स्पीकिंग के भी जो है चैनल्स हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी आप जरूर जाकर के वीडियोस को देखते रहें, जिससे आपकी इंग्लिश मजबूत होती रहे, ग्रामर की क्लासेस जो हैं, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं द लॉस्ट चाइल्ड। और ये जो लॉस्ट चाइल्ड है, ये अक्सर हम लोगों के जो बचपन के उदाहरण है, बचपन है जो हमारा, जिसमें हम अपने माँ बाप से जिद करते हैं खिलौनों के लिए, किसी चीज के लिए, उसका एक रिफ्लेक्शन इसमें आया है। एक छोटा सा बच्चा है जो अपने मम्मी पापा के साथ जो है वो गांव के मेले में जा रहा है, और वो अलग अलग चीजों की जिद करता है। रास्ते में उसको खिलौने मिलते हैं, वो खिलौने की जिद करता है, पिताजी उसको घूर करके देखते हैं, और माँ उसको प्यार से अपना हाथ पकड़ाती है और उसको आगे लेकर के चलती है। और माँ बाप चूंकि उसको ले जा रहे हैं मेले के लिए, और वो बच्चा बीच बीच में अटक जाता है, उसकी आंखें जो है अलग अलग जगह प्राकृतिक दृश्य हैं, कहीं पर उसको जो है ड्रैगन फ्लाइज दिखती हैं, उनको वो देखने लगता है, कहीं पर वो आगे बढ़ता है तो बरसात में जो कीड़े जो है इकट्ठे हुए रहते हैं धूप सेकने के लिए, वो उसको मिलते हैं, और कहीं वो सरसों के पीले पीले खेतों से होते हुए गुजरता है, ऐसा लगता है कि किसी ने सोने को पिघला करके डाल दिया है। ऐसा वर्णन जो है, प्राकृतिक दृश्य का वर्णन जो है, जो ऑथर है वो कर रहा है, जो मुल्कराज आनंद है वो कर रहे हैं, और वो बच्चा उनके बीच से होता हुआ आ जाता है। थोड़ी देर के लिए उसके मम्मी पापा रेस्ट करने के लिए भी बैठते हैं, और वहां पर वो बरगद के पेड़ के नीचे जाता है, और क्रीपर होती है, फूल जहां पर वो पहुंचता है तो खूब सारे फूल गिरते हैं। तो बच्चे का आकर्षण, बच्चे का मन अलग अलग खिलौनों की तरफ बदलता रहता है, वो बार बार किसी एक खिलौने की तरफ आकर्षित होता है, और दूसरी तरफ जैसे ही उसके मम्मी पापा आगे बढ़ते हैं, उसकी माँ और उसके पिताजी उसको आवाज देते हैं, वैसे ही वो उनके साथ हो लेता है, और अगला अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन के बाद एक आकर्षण के बाद अगला आकर्षण उस बच्चे का इंतजार कर रहा होता है। और वो बच्चा मेले के लिए जाता है, मेले की क्या स्थिति है कि अलग अलग पगडंडियों से होते हुए लोग, बहुत सारे लोग, कभी आपने मेला देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग स्थानों से, अलग अलग रास्तों से होकर के मेले में आ रहे हैं, और अलग अलग रंगों के वो कपड़े पहने हुए हैं। मेले की जो स्थिति है वो बहुत ही भीड़ से भरा हुआ मेला है, और जैसे वो रास्ते पर पहुंचते हैं वहां पर मिठाई की दुकान, बर्फी, रसगुल्ला, पेड़ा, सब चिल्लाते हुए मिठाई वाला चिल्लाता है, और उस बच्चे के मुंह में पानी भर जाता है। वो बच्चा जो है उसकी तरफ आकर्षित होता है, बर्फी उसका फेवरेट स्वीट है, लेकिन उसके माँ बाप जो है उसको वो नहीं दिलवाते हैं, क्योंकि बच्चे के मन में आता है कि उसके माँ बाप कहेंगे कि ये बच्चा लालची हो गया है। आगे वो बढ़ता है तो उसे फूलों की टोकरी दिखती है, उसको गुलमोहर की माला दिखती है, वो उनको लेना चाहता है, लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि नहीं, ये अच्छा नहीं है। उसे लगता है कि उसके माँ बाप उसको मना कर देंगे, इसलिए वो अपनी इच्छा को अपने मन में ही रखता है। आगे बढ़ता है, उसे गुब्बारे दिखाई पड़ते हैं, और हर बार वो अपने माँ बाप से जिद करता है कि मुझे वो चाहिए, लेकिन उसे लगता है कि उसके माँ बाप कहेंगे कि अब वो गुब्बारे खेलने के लिए बहुत बड़ा हो गया, अब वो छोटा नहीं रहा। तो हर बार वो अपने मन को मार के रह जाता है, लेकिन उसकी इच्छा होती कहीं ना कहीं वो अपने मम्मी पापा से कह देता है कि मुझे ये चाहिए, और फिर उसे मना कर दिया जाता है। आगे वो जाता है, स्नेक चार्मर होता है, सपेरा बीन बजा रहा होता है, वो सांप को देखता है, क्योंकि सांप जो है बच्चों के लिए आकर्षण और डर दोनों का विषय होता है, उसको देखता है, और फिर उसको देखते हुए फिर वो आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो आगे जो है झूला झूलने के लिए जो है राउंड अबाउट होता है, उस पर घोड़े की आकृति के झूले होते हैं, उस पर वो बैठना चाहता है, और वो सोचता है कि अपने मम्मी पापा से कहे, लेकिन वो जैसे ही पीछे घूमता है वो देखता है कि वो तो मेले में खो चुका है, मेले में वो मम्मी पापा उसके है ही नहीं। वो बहुत चिल्लाता है, बहुत ढूंढता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है, और फिर वो मंदिर की तरफ जाता है, मंदिर पर जाता है, और वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, और सब लोग चूंकि मेले में कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं देता, भीड़ होती, ऐसा लगता है कि बच्चा कुचल जाएगा, और बहुत तेज वो चिल्लाता है, लेकिन तभी उसको जो है एक आदमी, दयालु आदमी, उसको हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है, बेटा तुम यहां कैसे खो गए। वो बहुत तेज रोता है, वो कहता है मुझे मेरी मम्मी से मिलना है, मुझे मेरे पापा से मिलना है। इसके पहले वो जो सामान चाह रहा था
वो उसको उनके पास ले जाता है, सबसे पहले वो झूले पर ले जाता है, कहता है कि घोड़े पर बैठ जाओ, झूला झूल लो, लेकिन वो नहीं मानता। अभी तक क्या स्थिति थी कि वो अपने मम्मी पापा से मांग रहा होता है, क्योंकि हम जब जिद करते हैं तो किससे करते हैं, अपने मम्मी पापा से करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब माँ बाप उसके खो चुके हैं तो वो सारी चीजें उसको नहीं चाहिए, उसको अब उसके मम्मी पापा चाहिए, उसके माँ बाप चाहिए। फिर वो उससे मना करता है, फिर वो व्यक्ति बहुत दयालु होता है, वो उसको मिठाई की दुकान पे ले जाता है, वो उसको गुब्बारे की दुकान पे ले जाता है, उसको फूल की दुकान पे ले जाता है, लेकिन सभी जगह वो बच्चा रोता है, चिल्लाता है कि मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। तो इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो भी जिद करते हैं, छोटे बच्चे जो भी जिद करते हैं, वो अपने मम्मी पापा से करते हैं, अपने माँ बाप से करते हैं, ठीक है। और वो एक एक चीजें, जो जो चीजें वो चाह रहा होता है, अब वो दोबारा से जब वो व्यक्ति उसको दिलाना चाहता है तो वो उनको मना करता है कि नहीं, मुझे मेरे मम्मी और पापा चाहिए। तो हमारे जो प्यार होता है, हमारी जो जिद होती है, वो अपने मम्मी पापा से होती है, हम किसी दूसरे से वो चीजें नहीं लेना चाहते। प्रश्न अंत में यह है कि क्या उसके माँ बाप उसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ओके। क्योंकि इस कहानी में इतनी ही स्टोरी को रखा गया है, लेकिन जो बात दर्शाई गई है वो ये दर्शाई गई है कि हमारे लिए हमारे माँ बाप बहुत जरूरी होते हैं, और वो जो हमें जिन चीजों के बारे में मना करते हैं, वो प्यार से मना करते हैं, जिन चीजों की हमें जरूरत होती है वो हमें ला करके जरूर देते हैं। तो इसमें, इस कहानी में बेसिकली हमें हमारे माँ बाप के प्यार के बारे में, उनके बारे में बताया गया है और समझाया गया है। जो बच्चा जिन सामानों की, जिन चीजों की जिद कर रहा होता है, तीन कैरेक्टर्स हैं, एक बच्चा है जो जिद करता है हर सामान की, तीसरे कैरेक्टर उसके पेरेंट्स हैं जो उसको मना करते हैं, और चौथा कैरेक्टर वो व्यक्ति है जो उसको सब दिलाना चाहता है, लेकिन माँ बाप के खोने के बाद वो बच्चा उन सारी चीजों को नहीं लेना चाहता, यही इस कहानी में दर्शाया गया है। आशा करता हूं आपको स्टोरी पसंद आई होगी, आप इसको थोरली पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।